प्लास्टर से बंधी अस्पताल के बेड पर हंसती खेलती नन्ही बच्ची और साथ में बेड पर लेटी उसकी गुड़िया। गुड़िया पटोलो की कहानियां भले ही आपने बहुत सी देखी होंगी, बहुत सी सुनी भी होंगी, लेकिन ये कहानी सबसे अलग और सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली है, जिसमें ना कोई विज्ञान है, ना कोई तर्क, ना कोई वितर्क, कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ भावनाएं। इस वजह से मेरी दोस्त को भी चोट लगी हुई है और ये खुश है सबसे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट होता है तो इसका भी होता है। ये कहानी है 11 महीने की छोटी सी जिक्रा और उसकी गुड़िया की, जो आज अस्पताल के एक बेड पर भी एक ही साथ हैं। नन्ही सी प्यारी सी मुस्कान लिए जिक्रा अस्पताल के इस बेड पर प्लास्टर से बंधी है, और साथ ही में उसके साथ दर्द उसकी सबसे प्यारी गुड़िया बांट रही है। दिल्ली की रहने वाली 11 महीने की ये बच्ची बेड से गिरी तो पैर में फ्रैक्चर हुआ और उसे प्लास्टर चढ़ाया जाना था, लेकिन 11 महीने की ये मासूम तैयार ही नहीं थी। बच्ची को एनेस्थीसिया देकर प्लास्टर तो चढ़ाया जा सकता था, लेकिन 2 हफ्ते तक पैर सीधा रखवाना बड़ी चुनौती थी। तभी बच्ची की माँ ने डॉक्टर्स को बताया कि उसे अपनी डॉल से बहुत प्यार है। बस फिर क्या था, डॉक्टर्स ने बच्ची के मन को पढ़ते हुए ये तरीका ढूंढ निकाला। सोचिए कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे प्लास्टर चढ़ाएगी, कैसे वो इतने दिन तक अस्पताल में रहेगी। डॉक्टर भी परेशान थे, उनके घर के लोग भी परेशान थे, लेकिन सब ने मिल करके एक रास्ता खोजा, और वो रास्ता देखिए ये है। आप देखिए कि ये छोटी सी बच्ची है और ये है उसकी प्यारी सी डॉल। दरअसल जो काम ये डॉल करती है, अगर आपको दूध पिलाना है तो अगर ये डॉल को दूध पिलाएंगे तो बच्ची को भी पीना है, और इसी तरीके का इस्तेमाल किया डॉक्टरों ने मिल करके, और इस बच्ची के साथ साथ इस डॉल को भी प्लास्टर चढ़ा दिया। बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि ये बहुत खेलती है ना, इस वजह से हमने इसको डॉक्टर से बोला इसको पट्टी लगाओ, फिर इसने भी आराम से लगवा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर बचपन में असल में खिलौने ही बच्चों के दोस्त होते हैं, सब कुछ होते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा बच्चा कभी घर से बाहर तो जाता नहीं है, तो ये इनके दोस्त होते हैं कि आगे के लिए। ये भी है कि कोई बच्चा अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बाकी है कि अपने दोस्त बना के रखें। बच्ची का अपनी गुड़िया से ऐसा लगाव देखकर डॉक्टरों ने फौरन उसकी डॉल घर से मंगवाई और जिक्रा के साथ उसकी डॉल को भी बेड पर लेटा दिया। जैसे जैसे डॉल का इलाज होता, जिक्रा भी आराम से इलाज करवाती, वो खुद खुशी खुशी प्लास्टर चढ़वाने को तैयार हो गई। अब जब भी जिक्रा को दवाई देनी होती है तो डॉक्टर पहले डॉल को देते हैं और फिर जिक्रा को। जैसे तुरंत इनके गिरे तो बच्ची हमारी रोई जा रही थी, हमने अक्सर में देखा इनका पैर सूज रहा, तो हम तुरंत यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए और इमरजेंसी में हमने इनका इलाज कराया। डॉक्टर कहने लगे इनको दाखिल करा जाएगा। बच्ची छोटी सी होती है, वो संभालने में तो आती नहीं है, बच्चा एक जगह टिकता नहीं है, तो इनकी मम्मा ने डॉल मंगवाई और डॉल जब से आई है जब से बच्ची शांत है, एक जगह टिकी भी है, इलाज भी अच्छा हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उनके लिए इतनी छोटी सी बच्ची का इलाज करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि असल इलाज से पहले उन्हें बच्ची की मानसिकता को समझना था। बच्चे की तरह आपको बनना होता है, तभी आप बच्चे को समझ सकते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत ही मुश्किल काम था कि उसको स्थिर कैसे रखा जाए। ज़्यादातर हम जैसे सीटी स्कैन करना होता है, एमआरआई करना होता है, हम बेहोश कर देते हैं, आधा घंटा पौन घंटा बेहोश रहता है, बट इसमें तो कई दिनों तक रखना है, तो उसमें बेहोश का ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें बच्चे को समझना, बच्चे को बहलाना ही ऑप्शन था, जो ये बहुत बढ़िया तरीके से किया गया और आगे और बच्चों में भी ये काम आएगा। डॉक्टरों के इस अनोखे इलाज की बदौलत जिक्रा ने अस्पताल में 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त खुशी खुशी गुजार लिया और अब जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। लेकिन इस कहानी और डॉक्टरों की संवेदनशीलता ने लोगों का दिल छू लिया। अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।